गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर रीडिंग 10th क्लास के सब्जेक्ट के अंदर लेसन नंबर 5 चल रहा है अपना द पर्पल जार। इसको आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार से ओजोन की मुसीबतें बढ़ती जाती है। आगे बढ़ते हैं इसको। आगे देखो इसको। बट रोजमंड्स डिसअपॉइंटेड डिड नॉट एंड हियर। लेकिन यहाँ पर रोजमंड की निराशा का अंत नहीं हुआ। मैनी वर द डिफिकल्टीज एंड डिस्ट्रेसेस इन टू विच हर इम्प्रूडेंट चॉइस ब्रोट हर बिफोर द एंड ऑफ द मंथ। मैनी वर द डिफिकल्टीज, बहुत सारी कठिनाइयाँ, एंड डिस्ट्रेसेस और बहुत सारे तनाव, मानसिक तनाव, इनटू विच आर इम्प्रूडेंट चॉइस, अपने द्वारा चुनकर लाए गए उस फूलदान की वजह से बहुत सारी डिफिकल्टियाँ आती हैं। बिफोर द एंड ऑफ द मंथ, यानी महीना समाप्त होने के पहले बहुत सारी डिफिकल्टियाँ और इंटरेस्ट और डिस्ट्रेस, उसके मानसिक तनाव बढ़ते जाते हैं। एवरी डे हर शूज़ ग्रू वर्स एंड वर्स, दिन प्रतिदिन उसके जूते खराब और खराब होते रहे। टिल एट लास्ट सी कुड नाइदर रन, जिससे कि वह न तो दौड़ सकती थी, डांस न नृत्य कर सकती थी, जंप नहीं उछल सकती थी, नोर वॉक इन देन, और न ही उन जूतों से चल सकती थी। व्हेनेवर रोजमंड वाज कॉल्ड टू सी एनीथिंग, जब कभी भी रोजमंड को बुलाया जाता, टू सी एनीथिंग, जब कभी भी रोजमंड को किसी को देखने के लिए, कोई चीज़ के लिए बुलाया जाता, सी वाज पुलिंग हर शूज अप एट द हील, तो वह अपने जूतों को एड़ियों पर खींचती, एंड वाज श्योर टू बी टू लेट, और काफ़ी लेट हो जाती, यानी बुलाने पर काफ़ी देर से आती। व्हेनेवर हर मदर वाज गोइंग आउट टू वॉक, जब कभी भी उसकी माँ बाहर जाती थी, सी कुड नॉट टेक रोजमंड विथ हर, तो वह रोजमंड को अपने साथ नहीं ले जाती थी। फॉर रोजमंड हैड नो शूज सोल्स टू हर शूज, क्योंकि रोजमंड के जूतों में सोल नहीं था, क्योंकि रोजमंड के जूतों के नीचे सोल नहीं था, सोल फट चुका था। एंड एट लेंथ ऑन द वेरी लास्ट डे ऑफ द मंथ, और फिर लास्ट में महीने के अंतिम दिन इट हैपेंड, ऐसा हुआ, डेट हर फादर प्रपोज्ड टू टेक हर विथ हर ब्रदर टू ए ग्लास हाउस। अंत में ऐसा हुआ कि उसके पिताजी ने उसे उसके भाइयों के साथ ग्लास हाउस में ले जाने का प्रस्ताव रखा, यानी शीश महल में ले जाने का प्रस्ताव रखा। विच सी हेड लॉन्ग विश्ड टू सी, जिसे देखने की काफ़ी लंबे समय से उसकी इच्छा थी। सी वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत ही प्रसन्न हुई। बट वेन सी वॉज क्वाइट रेडी, लेकिन जब वह बिल्कुल तैयार थी, हेड हर हेट, उसने अपनी टोपी ली एंड ग्लोव्स ऑन, अपने दस्ताने पहने, एंड वॉज मेकिंग हेस्ट डाउन स्टेयर्स टू हर ब्रदर एंड फादर, और जल्दबाजी करते हुए वह अपने भाई तथा अपने पिता के पास सीढ़ियों से नीचे उतरकर अपने भाई और पिता के साथ आ रही थी। हु आर वेटिंग फॉर हर एट द हॉल डोर, जो हॉल के दरवाजे के सामने उसका इंतज़ार कर रहे थे। द शू ड्रॉप्ड ऑफ, यानी उसका जूता फिर से निकल गया, फिर से सोख हो गया। सी पुट इट ऑन अगेन इन ए ग्रेट हरी, उसने जल्दबाजी के अंदर फिर से इसे पहन लिया। बट एज सी वॉज गोइंग एक्रॉस द होल, लेकिन जब वह होल तक गई, हर फादर टर्न राउंड, तो उसके पिताजी चक्कर लगा रहे थे, उसके पिता उसकी ओर मुड़े।
वाई आर यू वॉकिंग स्लिप सोड, तुम इस तरह से फिसल पट्टी क्यों चल रही हो, तुम इस तरह से फिसल पट्टी क्यों चल रही हो। नो वन मस्ट वॉक स्लिप सोड विथ मी, इस स्लिप सोड की तरह चलने वाला कोई भी मेरे साथ नहीं चलेगा। नो वन मस्ट वॉक, मेरे साथ नहीं चलना चाहिए, स्लिप सोड विथ मी यानी स्लिप सोड को मेरे साथ नहीं चलना चाहिए। वाई, क्यों रोजमंड, क्यों रोजमंड, सेड ही, उसके पिता ने कहा। लुकिंग एट हर शूज विथ डिस्गस्ट यानी घृणा की दृष्टि से उसके जूतों की ओर देखते हुए उसके पिता ने कहा, आई थॉट दैट यू वर ऑलवेज नीट, आई थॉट मैंने सोचा, दैट यू वर ऑलवेज नीट कि तुम हमेशा साफ सुथरी रहती हो। गो जाओ, आई कैन नॉट टेक यू विथ मी, जाओ आई कैन नॉट टेक यू विथ मी, मैं तुम्हें मेरे साथ नहीं ले जा सकता। रोजमंड कलर्ड एंड रिटायर्ड, रोजमंड वहाँ से सेवानिवृत्त हो गई यानी वहाँ से चली गई। ओ मम्मा, अरे माँ, सेड सी, उसने कहा, अरे मम्मा, एज सी टुक ऑफ हर हेट, जब वह उसने अपनी टोपी उतारी तो उसने कहा, अरे मम्मा, हाउ आई विश दैट आई हैड चूजन द शूज, काश मैंने जूते चुन लिए होते, काश मैंने फूलदान की जगह जूते ले लिए होते, दे वुड हैव बीन ऑफ सो मच मोर यूज टू मी, वे मेरे लिए कितने उपयोगी थे, देन दैट जार यानी वे मेरे लिए इस जार के बजाय कितने उपयोगी थे। हाउएवर आई एम श्योर, फिर भी मैं निश्चिंत हूँ, नो नॉट क्वाइट श्योर, नहीं बिल्कुल निश्चिंत नहीं हूँ, बट आई होप लेकिन मैं आशा करती हूँ, आई शैल बी वाइजर अनदर टाइम लेकिन मैं आशा करती हूँ कि अगली बार मैं बुद्धिमानी से काम लूँगी। क्वेश्चन आंसर देखो इसके, क्वेश्चन आंसर ए वाला करना है इधर, टिक द करेक्ट आंसर अल्टरनेटिव्स। सी के अंदर करना है फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन। डी के अंदर करना है फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन। ई के अंदर करना है सेकंड और थर्ड क्वेश्चन, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन। कल अगला पार्ट पढ़ाएंगे।